हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ इरफान अली एंड यू आर वाचिंग ऑन स्क्रीन लर्निंग। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ना तो किसी मोबाइल सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूं और ना ही किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आज की वीडियो में बताऊंगा, बल्कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आपने अपने यूट्यूब चैनल की वीडियो की SEO किस तरह से करनी है ताकि आप उसे रैंकिंग में ला सकें और उस पर व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाए। मेरे बहुत से ऐसे नए यूट्यूबर भाई हैं जिन्होंने अपने चैनल क्रिएट किए हैं, लेकिन उनको इस बात की समझ ही नहीं आ रही, इस बात का पता ही नहीं है कि SEO क्या बला है, क्योंकि यूट्यूब पर ऐसी बहुत सी वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेंगी जिसमें SEO के बारे में बताया गया है, लेकिन वो यहाँ वहाँ की बातें ज़्यादा करते हैं, उस बात को बहुत ज़्यादा घुमाते हैं। जो नए यूट्यूबर हैं उनको फिर ये बात समझ नहीं आती। तो आज की वीडियो में बहुत ही आसान लफ्ज़ों में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि यूट्यूब की वीडियो की SEO आप लोगों ने किस तरह से करनी है और SEO क्या चीज़ है। बहुत ही छोटी सी वीडियो है और इस छोटी सी वीडियो में मैंने इन सारी बातों को बहुत ही अच्छी तरह से कवर किया है। अगर आप मेरी वीडियो को अच्छी तरह से देखते हैं, इसे समझते हैं, इसे सुनते हैं, तो इंशाल्लाह अगर आप अपनी यूट्यूब की वीडियो की SEO करेंगे तो आप लोगों की वीडियो के रैंकिंग होने के भी चांस हैं और आप उस पर अच्छे खासे व्यूज़ भी हासिल कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं यहाँ पर वर्ल्ड पैड को ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले हमने जिस चीज़ की SEO करनी है वो है फाइल SEO। इसको हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं जो नाम है लोकल SEO। ये देखें, हमारा जो सबसे पहला स्टेप है वो है फाइल SEO, जिसको हम लोकल SEO भी कहते हैं, और जो हमारा अगला स्टेप है वो है हमारी ऑन पेज SEO। ठीक हो गया, ऑन पेज SEO। इसके बाद हमारा जो तीसरा स्टेप है वो है ऑफ पेज SEO। तो ये तीन स्टेप्स हैं जो आप लोगों ने फॉलो करने हैं और इंशाल्लाह इनको फॉलो करते हुए आप अपनी वीडियो की अच्छी तरह से SEO कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं अपनी फाइल SEO की तरफ के फाइल SEO क्या चीज़ है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ और चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जो वीडियो आपने अपने YouTube चैनल पर अपलोड करनी है, आपने उस वीडियो में आ जाना है और राइट क्लिक करते हुए आपने प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपने यहाँ पर डिटेल में चले जाना है। डिटेल में आप लोगों ने ये जितने ऑप्शन आप लोगों को नज़र आ रहे हैं इनको आपने अच्छी तरह से फिल कर देना है। ये देखें, बहुत सारे ऑप्शन हैं, इनको आपने फ़िल कर लेना है। बहुत सारे दोस्त ऐसा भी कहते हैं कि इनको फ़िल करने से ऐसा क्या होगा, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपनी वीडियो की SEO करते हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। यहां सबसे पहले आप लोगों को नज़र आ रहा है टाइटल, यहां पर आपने टाइटल दे देना है। जैसे कि मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूँ SEO के बारे में, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर SEO टाइप कर देता हूँ। तो इसके बाद हमारा आ जाएगा सबटाइटल। सबटाइटल में आप लोगों ने यहाँ पर दे देना है, जैसे मैं कहता हूँ YouTube। इसके बाद आपने इसकी रेटिंग सेट कर लेनी है। रेटिंग आपने यहाँ पर जितनी भी है आपने सेट कर लेनी है। इसके बाद आप लोगों ने टैग्स में चले जाना है। टैग्स जो है वो आप लोगों का एक कीवर्ड है जिसको आपने बड़े ध्यान से सर्च करना है। वो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आपने अपने टैग्स किस तरह से फाइंड करने हैं, टाइटल किस तरह से फाइंड करना है और आपने अपना डिस्क्रिप्शन किस तरह से टाइप करना है। जैसे कि SEO हमारे कीवर्ड है, मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ SEO। उसके बाद मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ YouTube। तो इस तरह के आपने अपनी वीडियो के जो भी टैग्स हैं आप लोगों ने यहाँ पर डाल देने हैं। कमेंट्स में आ जाना है, कमेंट्स में आपने यहाँ पर टाइप कर देना है अपनी वीडियो का डिस्क्रिप्शन। जो भी आप अपनी वीडियो का डिस्क्रिप्शन देना चाहें आप यहाँ पर दे सकते हैं। आपने इसी तरह से अपनी वीडियो में टाइप नहीं कर देना, जो आपकी वीडियो के टाइटल हो वो आपने देना है, जो सब टाइटल हो वो देना है, तो जो टैग्स हैं आप लोगों ने वो देने हैं। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे देना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाउ टू रैंक यूट्यूब वीडियो। तो ये देखें, यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन था मैंने वो भी फिल कर दिया है।
इस तरह से आपने अपने सारे जितने भी आप लोगों को ऑप्शन नज़र आ रहे हैं इन सब को आप लोगों ने फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपने अप्लाई करना है और ओके कर देना है। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई, किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं था ना। देखें बस आप लोगों ने जो फाइल ऐसी हो यहाँ ले जाएंगे, आप लोगों को दूसरे यूट्यूबर वहाँ ले जाएंगे, तो जो सीधी बात है वो आप लोगों को नहीं बताते। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि किस तरह से आपने अपने फाइल की SEO करनी है। इसके बाद आपने अपनी YouTube की वीडियो को अपलोड कर देना है। यहाँ से मैं इसे मिनिमाइज़ करता हूँ और दोबारा से हम चलते हैं अपने वर्ल्डपैड में। तो वीडियो को अपलोड करने के बाद ये जो हमारा जो पहला स्टेप था ये कंप्लीट हो चुका है, इसकी SEO कंप्लीट आप लोगों ने कर दी है। इसके बाद आपने चले जाना है ऑन पेज SEO। जैसे ही आप अपने YouTube की वीडियो को अपने पेज पर अपलोड करेंगे तो ये आप लोगों से तीन चीज़ें मांगेगी। तीन चीज़ें आप लोगों ने इसे प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले आप लोगों ने टाइटल, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के बाद आप लोगों ने इसे टैग्स प्रोवाइड करनी है। टैग्स, तीन चीज़ें आप लोगों ने अपनी वीडियो में लगानी है और जो आपके टैग्स हैं वो भी आप लोगों ने फाइंड कर लेने हैं। डिस्क्रिप्शन आपने अच्छे से लिखना है, टाइटल आपने अच्छा से लगाना है और आपने अपने टैग्स को अच्छी तरह से सर्च कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने अपने टैग जो बनाने हैं, इंशाल्लाह इससे अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, पूरी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, वीडियो को अपलोड करके आप लोगों को दिखाऊंगा, उसका टाइटल आपने किस तरह से फाइंड करना है वो दिखाऊंगा, डिस्क्रिप्शन आप लोगों ने किस तरह से उसका लिखना है वो भी दिखाऊंगा और टैग्स आपने किस तरह से फाइंड करने हैं, उसके अलावा आपने अपने टैग किस तरह से बनाने हैं वो भी इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। वीडियो अपलोड करने के बाद यहाँ पर बारी आती है ऑफ पेज SEO। ऑफ पेज SEO क्या है, सीधे लफ्ज़ों में मैं आप लोगों को बताऊं तो ऑफ पेज SEO जो है वो शेयरिंग का नाम है और इसे हम लोग कहते हैं बैकलिंक्स। बैकलिंक्स आप लोगों ने अपने बैकलिंक्स क्रिएट करने हैं। बैकलिंक्स का मतलब यही है, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि जितना हो सके आपने अपने वीडियो को शेयर करना है, अपने फेसबुक पेज पर करें, अपने इंस्टाग्राम पर करें, ट्विटर पर करें, आपके पास कोई ग्रुप है व्हाट्सएप का उसमें आप लोग करें, तो जितना हो सके आप अपनी वीडियो को उतना ज़्यादा फैलाएं। इंशाल्लाह आपकी वीडियो के रैंक होने के चांस बढ़ जाएंगे और आपकी वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज़ भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर मेरी किसी भी बात की आप लोगों को समझ नहीं आती तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, नहीं तो आप लोग मेरी वीडियो को दोबारा देखें, इसको समझें ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए और इन्हीं स्टेप को फॉलो करते हुए आप अपनी वीडियो की SEO करें। और इंशाल्लाह इसके बाद जो मैं इसका पार्ट टू लेकर आऊँगा उसमें मैं आप लोगों को वीडियो अपलोड करने का तरीका, उसके टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स किस तरह से लगाने हैं, इनको फाइंड किस तरह से करना है, बिल्कुल डिटेल वाइज आप लोगों को मैं एक एक चीज़ बताऊँगा। तो तब तक दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।